ही रहे हो। किनका? कर्मचारियों का। और जब कर्मचारी मिल के अंदर नहीं रहेंगे तो इनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, इनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कैसे कर पाएंगे। ये अपने बच्चियों की जो शिक्षा है, लालन पोषण है, उनकी सुरक्षा है, चाहे कुछ भी हो, ये परिवार करीब 1,000 परिवार है जो आत्महत्या की कगार पर है। ना तो ये मजदूरी कर सकते, क्योंकि अब इस स्थिति में है हमारे कर्मचारी भाई, क्योंकि ना तो ये अपना कर्म पीछे हटा सकते बल्कि आगे बढ़ सके। आप एक बात बताओ, छोटी सी, जितने भी गन्ना मंत्री है, चाहे कितने मंत्री हो कैबिनेट में, सबके पद बढ़ जाते हैं 5 साल में, कर्मचारी का क्यों नहीं बढ़ता भाई? वो तो भाई दिन रात मेहनत करे। एक बात तो सुनी होगी चौधरी चरण सिंह की, देश का जवान और देश का किसान और देश का मजदूर, ये तीनों चीज ठीक रहोगी तो देश आगे बढ़ेगा। ना तो भाई हम राजनीति करते, हम तो सिर्फ देश के लिए जीवे हैं और देश के लिए करे। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं सरकार से, या तो सरकार का कोई नुमाइंदा 1 घंटे के अंदर यहां आ जा, वरना फिर यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा और जिसका जिम्मेदार जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री है गन्ना सुरेश राणा जी और बगल का जिला है मुजफ्फरनगर, वहां से भी 3 3 मंत्री है, क्या कोई सूत्र लेने के लिए आया? बीजेपी के 3 3 विधायक है, बागपत जिले में एक सांसद है, कोई सूत्र लेने के लिए आया? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या वोट के लिए राजनीति करोगे? जब इनके घर में चूल्हे पर रोटी नहीं बनेगी तो तुम क्या खाद राजनीति करोगे? ये तो मरने की कगार पर खड़े हो और तुम उधर अपनी राजनीति कर ले हो। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, सभी भाई जितने यहाँ बैठे हैं और ज्यादा देर तक भाई को बुलाने की कोशिश करें जल्दी से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ से है और भी भाई आने वाले हैं बाहर से। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मैसेज दूर दूर तक जाए ताकि पता लगे पूरे भारत में कि यहाँ हमारा जिला बागपत के हमारा मिल में क्या क्या हो रहा है आपके साथ में। हम ये दिखाना चाहते हैं, चलो मीडिया तो दिखा रही है लेकिन मीडिया लोकल चैनल से काम नहीं चलेगा जब तक बड़े चैनल पर आपकी खबर नहीं चलेगी। तो बड़े चैनल पर कभी खबर चलेगी जब आपके साथ में और ज्यादा भीड़ होगी और जब और ज्यादा सामाजिक आदमी, देशभक्ति, क्रांतिकारी, जो किसान के प्रति सोच रखने वाले, मजदूर के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है ये सभी व्यक्ति आपके साथ में जुड़ चुके हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, तभी ये धरना कितने दिन हुए भाई साहब? चौथा दिन है जी, आज चौथा दिन है। बड़े शर्म की बात है कि किसानों के लिए वो करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसान भी तो तभी होगा जब मंजूर हो गए, जब यहाँ पर निर्मल कर्मचारी काम करेंगे तभी तो किसान का गन्ना यहाँ समय पर गिरेगा, समय पर परमिट मिलेगा। तो मेरा ये अनुरोध है जितने भाई है यहाँ, एक बार थोड़ा नदी से आ जाए आगे अभी। जो भाई एंड्रॉइड मोबाइल ले रहा है अपने हाथ में, वो सब बाहर निकल रहे जिसके पास में है। एक मुहिम चलाने वाले हैं यहाँ से, ये आवाज दूर दूर तक जाएगी। फेसबुक कौन कौन चलाता है? सारे चलाना है ना। हाँ जी, तो आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया को कितने सिर पर रख लो, मीडिया का खर्चा लाओगी उसकी जो सेलिब्रिटी होगा। गरीब आवाम कर्मचारी की आवाज कोई नहीं उठाता, हम ना उठावे, क्योंकि सच के कहने वाले कम है यहाँ। आ जाओ भाई, यहाँ से एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ तमाम जो मेरे में जेसीएम अधिकारी जितने भी बैठे हैं, या तो 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाए, वरना आपको पता है अगर ये विजय हिंदुस्तान इस धरने पर बैठ गया तो ये मैसेज लखनऊ तक नहीं दिल्ली तक जाएगा। और आपने देखा भी होगा अभी शामली के अंदर 15 दिन पहले
जो पत्रकारों के साथ में जाती थी, 4 घंटे में आपने निर्णय लिया था। किसकी वजह से जाती हुई थी पत्रकारों पर, जो हमारे मीडिया बंधु थे, पुलिस वालों की वजह से, एसपी साहब की वजह से, और उन्हीं एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया था 4 घंटे के अंदर। अगर ये हिंदुस्तानी और उनकी टीम इधर धरने पर बैठ गई तो आप और हमारे जितने फॉलोअर है हिंदुस्तान के अंदर, मैं बता देना चाहता हूँ, मिल गए जो अधिकारी हमारी बात सुन रहे हो, जल्दी से हमारे बीच में आए, या तो इन भाई की बात सुने या फिर ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश राणा उनको जाएगा, या फिर डॉक्टर सतपाल सिंह यहाँ के सांसद है उनको जाएगा, या फिर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है चंद्र सिंह हमारा या उनको जाएगा। क्या आपको नहीं लगता क्या उनको आना चाहिए था आपके बीच में? आप भी तो उनके परिवार से ही हो, जब वोट मांगने के लिए आते हैं, अपने ही तो परिवार है, अपने ही तो गुआंड है, ये तो बात बोली जाती है। अब कहाँ गया अपना गुआंड, अब कहाँ गया अपना परिवार? याद भी वही है, गांव भी वही है, लेकिन क्या हो गया, वो विधायक बन गया, हम आज भी कर्मचारी है, हम आज भी मेहनत की करके खा रहे, लेकिन उनका तो और ज्यादा बढ़ गया। सुरेश राणा राज्य मंत्री तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, तो मैं ज्यादा ना समझे तो है, एक बार थोड़ा सा इसके आगे कुछ बात बताना चाहता हूँ। थैंक यू। कायदे कानून सरकार बनावे, कहीं कागजू में इधर दे लपेट के, मेरे हिसाब था सभी कोई नियम है, अगर कोई कहीं नौकरी कर रहा है बीमार हो जाए तो सब मेडिकल भी मिले, मिले भाई मिले। एक तो हम सरकार को बताऊंगे, हम संविदा पे लग रहे, वेतन तो दिया ही 6,000-7,000 जा रहा, हम बीमार हो जा रपे घर तक लगाने पड़े, चाहे कहीं और जगह मजदूरी करनी पड़े, हमें कोई मेडिकल नहीं मिलता, हमारा पीएफ कटे, सरकार को दिखती नहीं अगजी, मिनिमम वेज 18,000-20,000 करे क्या चा 13,000, और यू पीएफ 900 रुपए क्यों आवे के 1% आवे यू, ये जो सरकार है सब बोलने वाली है, हमें लगता कोई भी सरकार बढ़िया है, कहाँ है वे नियम, पीएफ डिपार्टमेंट में तो लिस्ट नहीं कटवा सकती, अब यू पीएफ 900 रुपए या 800 रुपए क्यों आ रहा है, कितनी तनख्वाह इनकी, सरकार को सब पता, कोई सी सरकार हो सब पता है, नहीं पीएफ का पता नहीं लग रहा हमारा, इतना कम पीएफ क्यों कट रहा है, तनखा कम है नु कट रहा, बीमार हो जाओ कोई ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाओ अपने आप जा, अधिकारी बीमार हो जाओ हमारी तो कटे हाजरी भी, अधिकारी बीमार हो जाओ, अगर इन भाइयों का सब कट जाए जो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, इनको इनका हक मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ये भाई अंतर पर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, और मैं कहना चाहता हूँ तमाम बंधुओं से इस लाइव को जल्दी से शेयर करें, शेयर टू ग्रुप थोड़े हाथ पर बटन होगा आपके, और जल्दी से शेयर करें ताकि पता लगे जिला बागपत के रमाना चीनी मिल में मजदूरों के साथ में क्या जाति हो रही है, इनकी मेडिकल जांच भी नहीं हुई है, ज्यादा ऊपर नगर है एक यहाँ से अगर बागपत जाना पड़ जा मिल गए काम थे भाई, एक मिनट, अगर यहाँ तक बागपत जाना पड़ जा मिल गए काम से कितने रुपए मिले भाई जान के, DATTA 72 रुपए बागपत के, बागपत के 72 रुपए आने जाने की कुछ आना सांझ को आओगा दोपहर की रोटी भी खा लगा 72 में दिल्ली वाला केड़े इंदे 72 रिक्शा का किराया भी उसमें है, रिक्शा का किराया भी बागपत अड्डा देखो कहाँ है, बागपत डीसी ऑफिस, अच्छा मेरठ जाना पड़ जा 152 रुपए में मेरठ, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा चाहे ऊपर शासन का आदमी आ जाओ जाके दिखा दो 152 रुपए में तड़की जाएगा मेरठ, और उल्टा आके सांझ को उल्टा भी आना रुपए मिलेंगे 152 और उसमें सभी हो जाओ, जो अधिकारियों का दिमाग खराब हो जाओ क्यों गए थे कागज बगा दे, अच्छा इन अधिकारियों को जाना पड़ जाओ लखनऊ, हमें जाना पड़ जाओ हमें भेजेंगे यंत मेरठ लोग के आन जान गए 152 और मेरे हिसाब से 170 रुपए है लखनऊ लोग के, ठीक है ना जाना पड़ जाओ, एक तो जाए ना गाड़ी मेरठ छोड़न एसी वाली अपने।
सारे अधिकारी हर मिलू मतलब लखनऊ जाओ फेडरेशन है एक यंग का जो गुरु बैठे जावे फेडरेशन मीटिंग में मैं हर मिल के लिए कह रहा बिल निकलवा लियो जो बजट की मीटिंग हो अधिकारियों का बिल कह रुपए का हो अगर दो अधिकारी को जाना हो तीन को 18,000 रुपए लखनऊ आन जान के गट्टी गट्टी के पास और रट्टी गाँव बटिया वाले होटल में फाइव स्टार में और हमें देता जो ठेली पे 50 रुपए की प्लेट मिले ठेली पे भी 50-60 की तो मिलती होगी और जो हमें टीए मिलता हो टीए 50-60 रुपए का भी ना कोई जिंदाबाद 2017-18 लोग के ओवर टाइम है हमारे कोई ओवर टाइम में डबल ना मिलते जीप 10 घंटे कर ले जीप 8 घंटे के रुपए हुए 175-200 मिले और जो इतवार में आते नहीं अतवे भी काट ले और जो इतवार में आ जा अत अधिकारी नु कह देख तुम 2 घंटे पहले तो चले गए देख दिन जो बीमार हो जा उसका ओवर टाइम पे साइन नहीं होते और अधिकारियों के रिकॉर्ड कटवा लो एक कक साल लोग एक बार भी अब्सेंट नहीं करने लगता दस्त भी ये सारे बीमार हम ही हो नहीं इनका उत्तर बुखार जो हो जा अत एप्लीकेशन लिख दे कहां पर मेडिकल लग गया पता नहीं क्यों है मेडिकल सर्वे करवाते हैं लोग ऑक्सीजन में हमारे कुछ कर्मचारी भाई हैं जो सर्वे में अपना मजदूरी की भी ऑक्सीजन हो गया चलो 2 रुपए का रोजगार मिलेगा किसी कामदार के साथ में सर्वे मिलते हैं उन सर्वों का वे ज्यादा नीचे कर दे आज तक इन लोगों ने नहीं लिया बोलते हैं भाई तुम्हारा वो क्या नाम कामदार जिसके साथ में तुमने काम किया वो तुम्हारी हाजिरी देगा कामदार कहता है मैंने हाजिरी दे दी उधर पता करते हैं भाई हमारे पैसे आए वे कहते हैं नहीं आए क्यों नहीं आए कहाँ नहीं आए ऐसा कुछ लोग है ये हमें भका देते हैं और भका के फिर पता भी नहीं चलता हमारा सर्वे का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे कुछ भाई ऐसे हैं लास्ट में ये कह दे भाई छोड़ दो हमने दान दे दिया इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं आती जो 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पैसा ले रहे और उन्हें एक 3,000-4,000 रुपए वाला कर्मचारी 2 रुपए कहकर दान दे रहा है इन्हें इतनी भी लिहाज नहीं आती इनकी लड़कियों की शादी होती है 5-स्टार होटल में इनकी बारात आती है लड़की की हमारी बहन बेटियों की शादी होती है हमसे दहेज मांगा जाता है कहाँ से लाए चले या मरे क्या करें हम लोग इसका किसी के पास कोई जवाब है मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने सर्वे में काम किया आपकी बार भी 20 रुपए हेक्टेयर बोला आज तक 20 तो दूर की बात है 20 पैसा हेक्टेयर नहीं मिला उन्हें और जिस टाइम सर्वे हो अधिकारी बाहर तो कह देगा भीतर लोग करकाओ सर्वे एक बार अधिकारी भी तो बढ़ जाओ कहाँ कुआं करके मैं आपको बताऊं मारे तो ऊंचे ऊंचे ही बुढ़े हो जा और बोर्ड मैं आपको बताता हूँ खेत में घास फूस की डोल है पगडंडी है नहर के किनारे पे खेत है खतर में खेत है सांप निकले हो कोई जहरीला जानवर आओ पीछे और हमारे भाई जो सर्वे करते हैं HSC मशीन लेकर उन पर जाते हैं पाती लहराती है उनमें पता नहीं चलता कि तार है या क्या है उनमें कट निकलता है और एक कट लगते ही टीटीनस का खतरा है कोई डॉक्टर ही नहीं कोई पैसा नहीं कुछ नहीं है कुल मिला के बात यह है इनके यहाँ दरिया दिली खता में गधे की तरह यूज कर रहे हैं हमें गधा मान चुके हैं ना कि कोई इंसान इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इनके पास अरे चलो मेरे साथ में नहीं हो रहा है मजदूर के साथ में रहा मजदूर किसके लिए जीता है अरे आपके लिए जीता है आपके लिए मरता है आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसको परवाह नहीं है उसको कितनी तनख्वाह मिली है उसको परवाह नहीं है किसका परिवार चल रहा है नहीं चल रहा है उसको परवाह नहीं है कि उसके बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको परवाह नहीं है उसकी चिकित्सा उसके तो स्वास्थ्य है उसका अच्छी तरीके से चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है लेकिन वो परवाह किसकी है किसान परिवार की है वो परवाह किसकी है देश की परवाह है इनसे बड़ा देशभक्त आज के समय में देश के अंदर कोई नहीं हो सकता क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ तमाम नेताओं से क्या आपको नहीं लगता आपने अपनी सैलरी बढ़ाई क्या इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए क्या इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए अरे ये हमारा भाई इसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी और ये अब अगर इसको बाहर निकाल दोगे तो ये कहाँ जाएगा क्या कर ये सोचते तो ऐसा होने नहीं देते हम अब तक थोड़े थोड़े मर रहे थे
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देखे रहेंगे देखे रहेंगे देखे रहेंगे। ये जो हमारे साथ हुआ इन्होंने ऐसा कर दिया, आराम आराम तो न मरो, एक बारी मर जाओ। और इस चीज का जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी अगर हमारे कुछ हुआ। आगे ये जो कदम है उस कदम में, जहां भी ये कदम आपका उठेगा उस कदम में विजय हिंदुस्तानी और उसकी तमाम टीम के जो बंधु है, जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इस लाइव को देख रहे या आगे देखेंगे, वे तमाम बंधुओं से कहना चाहता हूँ, या तो अपना जुआवड़ा जल्दी से रमाला मिल के अंदर लगा ले, वरना भूल जाए वो दिन दूर नहीं। ये जाति आपके साथ में भी होगी, वो दिन दूर नहीं, आपके साथ में भी आपका पेट जो फाड़ा जा रहा है, मजदूरों का पेट फाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हो उम्र कितनी हो चुकी है भाई साहब की, जो सामने मेरी उंगली के सामने है, इनके चेहरे की मायूसी देख सकते हो, इनके साथ में जाति नहीं हो रही इस समय, और प्रशासन सो रहा है। ये पांच जो भाई है ये आमरी कंसल पर बैठे हुए हैं, क्यों इनको इंसाफ मिलना नहीं चाहिए? क्या डीएम साहब एक बार है नहीं आए? सरकार का कोई नुमाइंदा आया नहीं आया? विधायक आया नहीं आया? बागपत जो चपरौली विधानसभा से जो विधायक है वो कल आए थे, कल हमारी उनसे बात हुई थी, सेंदर रमाला जी, सेंदर चौहान जी रमाला के चपरौली विधायक, हमने उन्हें बताया भी था हमें कुछ खतरा भी हो सके यहाँ प्रशासन का, अब तक कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी दी जाए अब तक तो यहाँ कोई ना तो कोई सिक्योरिटी आई ना फिर वो आए, और अब तक ना कोई और आया, और प्रशासन तो आया ही नहीं, हमारे मिल के अधिकारी नहीं आए, जिन्होंने टेंडर निकल जाए डीएम साहब यही नहीं आए। आपके बागपत जिले से तीन तीन विधायक बीजेपी में है और सांसद बीजेपी में है, और सांसद की बेटी राष्ट्रीय विधि प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है चारू प्रज्ञा जी, और मैं कहना चाहता हूँ तमाम उन नेताओं से, अरे कहाँ सो रहे हो जब वोट मांगने के लिए आते हो? ये हमारा गुंडी भाई है, ये हमारा अपना है, ये हमारे परिवार का है, ये हमारे जिले से है, क्या आपको अपना जिला नहीं दिख रहा है? क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जो अपना 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 ये सोच रही होगी ये नौकर 6,000 में इब्बी मिल जाएंगे, हम नहीं मिलने गए, चाहे तो मरेंगे और नहीं तो अपना हक लेंगे। मजदूर एकता मजदूर एकता मजदूर एकता अपना हक अपना हक। ये भाई अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी सूद लेने के लिए नहीं आया, कोई अधिकारी सुनने के लिए नहीं आया। अगर इनको कुछ हो गया, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और मैं पूछना चाहता हूँ तमाम बंधुओं से, जो दिन रात हम वो करेंगे ये करेंगे, अरे कहाँ गए तुम्हारे वादे? जो पार्लियामेंट में बोलते हैं हमने किसानों की आय दोगुनी की, मजदूरों की आय दोगुनी की, अरे आप छोड़ दीजिएगा, 6,000 रुपए में क्या परिवार चल पाता है? खोस रहे है, खोस रहे है, दुगुनी नहीं की खोस रहे है, हमारा रोजगार खोस रहे है। जो देवे बिन छोटे भी लोग संविदा पे देता न का मिल देता, इब ठेका छोड़े वो देगा नहीं देगा देगा नहीं देगा, 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 देगा। तो किसी मिस्त्री गैन मजदूरी कर रहे होते, मिस्त्री तो हो जाते, कोई घर तो बनवाई लेता, घर भी भैंसू का झोपड़ा बनाने लग जाते भी लोग, इब तो कहीं के बिन रहे। यहाँ पे प्रधान प्रबंधक को 5 दिन हो रही जी, 5 दिन जब से टेंडर पास करके गया तब से अब तक मिल में आके नहीं झपका, और मंत्री से भी बात हो चुकी, डीएम से भी बात हो चुकी, अब तक ना कोई प्रधान प्रबंधक का आता पता है ना कुछ उसका, यहाँ तक अब तक कोई जवाब आया। और अब हम जिस वेजिस पे काम कर रहे थे ना, वो वेजिस हमें चाहिए ही नहीं, मिनिमम वेजिस चाहिए वो ही लेंगे, जो गवर्नमेंट ने तय किया ना मिनिमम वेजिस, अब सारे संविदा कर्मी को वो ही मिलेगा, तब जाके हड़ताल खत्म होगी। मैं कहना चाहता हूँ तमाम बंधुओं से जो इस लाइव को देख रहे हैं, एक बार शेयर मार दे सभी भाई, एक बार शेयर लगा दे, छोड़े हाथ पर शेयर टू ग्रुप का बटन होगा उस पर शेयर लगा दे जल्दी से, जितने भी ग्रुप आपके पास में है जल्दी से शेयर मार दे। विजय भाई एक बात जी,
गवर्नमेंट अधिनियम के अंतर्गत ये कब से नियम चला हुआ है कि 90 दिन की जिसकी हाजिरी है उसे किसी भी मिल को या किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर को परमानेंट करना पड़ेगा। 90 दिन ड्यूटी करने वाला कोई भी कर्मचारी उस फैक्ट्री का स्थायी कर्मचारी माना जाता है। प्रधानमंत्री जी को पता होगा, मुख्यमंत्री जी को पता होगा, जितने विधायक, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, प्रधान या पढ़े लिखा कोई भी व्यक्ति ये जानता है। यहाँ पे हर व्यक्ति की कम से कम 4-4 साल की ड्यूटी है। अब हमें अपना स्थायी और न्यूनतम वेतन जो भी है स्थायी कर्मचारी का वो हमें चाहिए ही चाहिए। ये साहब डीएम साहब को बताइए, बताइए आप 4 साल बोल रहे हैं। अभी एक अंकल जी बैठे हुए थे, मैं बुलाना चाहूंगा। अंकल जी कहाँ गए? मेरे कितने वर्ष हो चुके आपको काम करते? 10 साल हो चुके। मैंने बड़े शर्म की बात है और बड़े ही मैं कहना चाहता हूँ तमाम नेताओं से, क्या आपको नहीं लग रहा कि आप इस परिवार इन परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हो? ये करीब 250 परिवार के सदस्य बैठे हुए, क्या आपको नहीं लगता इन माता को प्रताड़ित कर रही है सरकार? इनके दो बेटी है, 19 साल हो गए थी, 19 साल हो चुकी है, 6,000 रूपए पति मिलते हैं, उसमें सेक्शन भी कट जाती है। बहुत बहुत परेशानियों से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता। एक समय खाना मिलता है, एक समय रुपए नहीं भी मिलता। हम कहाँ जाएं, क्या करें? अरे डूब कर मर जाने वाली बात है। जब एक महिला की आंखों में आंसू आते हैं वो क्या करे, वो क्या करे? चिल्लाते रहो, चीखते रहो, लेकिन सरकार नहीं सुनने वाली। ये भाई पिछले दूर रहता दूर रहता दूर ये भाई पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई 5 दिन से भूख हड़ताल पे, कोई भाई सूट लेने के लिए नहीं आया प्रशासन के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ या तो आप आज करते हैं उनके जाती भाई है दूर 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 सभी भाई इस लाइव को शेयर लगा दे। मैं कहना चाहता हूँ दोबारा से छोड़े आज पर शेयर टू ग्रुप का बटन होगा, शेयर मार दे ताकि शाम तक ये जो लाइव है ये पूरे भारत में वायरल हो जाए और सरकार को पता लगना चाहिए और पूरे भारत को भी पता लगना चाहिए कि जिला बागपत के रमाला चीनी मिल में मजदूरों के साथ में क्या जाती हो रही है। क्या 6,000 में परिवार चल पाता है? उनका तो 2-2 लाख रुपए में परिवार चल रहा है जो हमारे देश के एमपी है, और इनका 6,000 रुपए में नहीं चल रहा है। क्योंकि 6,000 रुपए में तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार डॉक्टर के यहाँ चले गए तो 8,000 रुपए तो ऐसे लग जाते हैं। आस्था हॉस्पिटल है बड़ौद के अंदर, क्यों मैं गलत कह रहा हूँ?